눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기 उस पे फिदा मैं क्यों हुआ आधा है गुस्सा मुझे प्यार तेरी आंखों का मैं तेरा काबिल हो गया बुलाती आंखें जब तेरी देखी हाँ आ रही हो आप अब प्लीज स्टैंड देयर ठीक है प्लीज प्लीज की पॉइंट ओके हेलो गाइस दिस इज कोमल पाठा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा क्राफ्ट शेयर करूंगी जिसको आप अपने बालकनी के लिए अपने बेडरूम के लिए अपने लिविंग रूम के लिए या फिर अपने किचन में भी यूज कर सकते हैं सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू कंसीडर टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैं एक ऑयल कंटेनर ले रही हूँ जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके ऊपर से कट कर लिया है एंड इसके बाद मैं ले रही हूँ चॉक पेंट चॉक पेंट के लिए मैंने वाइट कलर और वॉल पुट्टी को एक जगह मिक्स कर लिया है एंड रख लिया है बनाकर क्योंकि मुझे इसमें से दो कलर बनाने हैं तो सबसे पहले मुझे टील कलर का चॉक पेंट बनाना था जिसको मैं अपने पहले प्लांटर के लिए यूज़ करूँगी सो दैट वही मैंने बनाया है बट इससे पहले मुझे एक बेस कोट करना होगा सो वाइट चॉक पेंट से ही मैं यहाँ पर बेस कोट कर रही हूँ जब भी हम किसी भी लाइट कलर का यूज़ करते हैं सो उसके पहले हमें चॉक पेंट अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इससे जो भी हम कलर अप्लाई करेंगे वो बहुत ज़्यादा ब्राइट और उभर कर आएंगे सो बेस को ड्राई हो जाने के बाद मैं इसके ऊपर अपना चॉक पेंट अप्लाई कर रही हूँ इसको मैंने टेबल की हेल्प से किया है सो दैट जो भी हमारे स्ट्रोक्स हैं ब्रशेज के वो ना आए इसके बाद मैंने पिंक कलर का चॉक पेंट अप्लाई किया है इसको भी मैंने टेबल से ही अप्लाई किया है तो चलिए गाइस जब तक हमारा कलर सूख रहा है तब तक हम कुछ कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं मैंने यहाँ पर कुछ कार्टून स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं जिनको मैं बाद में ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से ट्रेस कर लूँगी अपने प्लांटर के ऊपर यहाँ पर तीन मैंने कार्टून पिक्चर ड्रॉ की हैं एक मैंने लिपन आर्ट बनाया है सो दैट एक साइड में इसकी लिपन आर्ट भी ड्रॉ कर सकूँ सो यहाँ पर मैंने लिया है ब्राउन कलर का कार्बन पेपर जिससे कि हमारा पूरा का पूरा ड्रॉइंग इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा इस कंटेनर को मैंने ऊपर से कट कर दिया है सो दैट ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है तो इसलिए मैंने इसके अंदर एक टैडी रख लिया है इसी की हेल्प से मैं अब अच्छे से इसके ऊपर ड्राइंग कर पाऊंगी तो यहाँ पर मैंने पहले कार्बन पेपर को रखा है एंड उसके बाद मैंने अपनी जो ड्राइंग बनाई थी उसको रखा है इसको वाइट टेप की हेल्प से मैंने इसके ऊपर स्टिक कर लिया है ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी हिले ना और हमारी ड्राइंग ख़राब ना हो सो बारिश के बाद बहुत अच्छा सा मौसम हो गया था मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे घर पर नहीं थे तो चाय तो मैं किसके साथ ही पीती तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ म्यूज़िक सुनकर अपने पल को इंटरेस्टिंग बनाऊं तो इसीलिए मैंने ईयरफोन लगा लिए और खूब मज़े से म्यूज़िक सुनती रही ड्राइंग को कंटेनर के ऊपर ट्रांसफ़र करने के बाद मैं ले रही हूँ मोल्डेड क्ले इसमें एक हार्डनर होता है एक रेजिन होता है दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स करके एक बढ़िया सा डो बना लिया है अब इसी डो की हेल्प से मैं इसके ऊपर कुछ 3D आर्टवर्क करूँगी तो यहाँ पर मैं कुछ कुछ शेप्स को हाईलाइट कर रही हूँ जैसे कि डोर है विंडोज़ हैं हमारे कोकोनट्स हैं और भी जो शेड्स वगैरह हैं उनको मैं हाईलाइट करूँगी सो दैट हमारा जो आर्ट वर्क है वो बहुत अच्छे से उभर कर आए और एकदम 3D लुक में क्रिएट हो जाए प्लांटर के दूसरी साइड मैंने एक फीमेल जिराफ बनाई है तो उसका बो भी मैं हाईलाइट कर लूँगी एंड इधर मैंने एक फैटी आंटी बनाई है जो कि फैटी वूमन है उनको भी मैं अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी और यहाँ पर कुछ इडली रोटी सांभर डोसा ये सब रखा है इनको भी मैं हाईलाइट कर लूँगी
क्ले को मैंने फेविकोल से स्टिक किया है एंड जो भी हमारे इसके ऊपर डिटेलिंग वर्क है उनको हम पिन या सुई की हेल्प से डिटेल कर लेंगे। सो गाइज, यहाँ पर मेरा हाईलाइट करने का मतलब ये है कि मैं इसके ऊपर क्ले आर्ट वर्क कर लूँगी। सो यही मैंने किया है। प्लांटर के दूसरे साइड मैंने बनाया है एक लिपन आर्ट, तो उसमें भी मैं पैटर्न वाइज क्ले को स्टिक कर लूँगी। अब क्ले को हम अच्छे से ड्राई होने देंगे एंड उसके बाद मैं इसके ऊपर एक्रेलिक कलर से एक बेस कोट दूंगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसमें बेस कोट अप्लाई करते हुए आपको शो नहीं किया है, बट मैंने इसके ऊपर व्हाइट एक्रेलिक कलर से बेस कोट कर लिया है। सो अब हम इसके ऊपर कलरिंग करते हैं। कलरिंग चॉइस बिल्कुल आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। जो भी आपका दिल करे, जो भी आपकी चॉइस हो, उस हिसाब से आप अपनी लिपन आर्ट में कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अपनी फीमेल जिराफ को भी पेंट कर लेंगे एंड इसके पास जो भी कुछ कुछ प्लांटर्स रखे हैं उनको भी मैंने कलरफुल रंगों से पेंट कर लिया है। इसके बो को मैंने रेड कलर से पेंट किया है बिकॉज रेड एंड येलो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। प्लांटर के ऊपर भी मैंने कुछ पोलका डॉट्स बनाए हैं सो दैट इसकी ब्यूटी थोड़ी और इन्हेंस हो सके। नाउ बारी आती है फैटी वुमन की। सो यहाँ पर केले के पत्ते पर कुछ कुछ फूड रखा हुआ है, उसको भी मैं ऐसे ही पेंट कर लूंगी। सो गाइज, मैंने यहाँ पर कार्टून पिक्चर्स को ड्रॉ किया था इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ ब्राइट कलर का यूज किया है, बट अगर आप चाहते हैं इनके ऊपर कुछ डल कलर करना या फिर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी आप इसके ऊपर कलर कर सकते हैं। इन सब की आउटलाइन मैं ब्लैक मार्कर से करूंगी, दैट्स वाई मैं इस काम को वॉर्निश के बाद करूंगी बिकॉज चॉक पेंट पर मार्कर अप्लाई करने से मार्कर खराब हो जाते हैं। एंड इसी के साथ आ जाते हैं अपने फोर्थ वॉल पर। इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी सी एक पेंटिंग, कार्टून पेंटिंग है, उसको ड्रॉ किया था, तो बहुत अच्छे से मैं इसमें ब्राइट कलर को अप्लाई करूंगी। सो जो भी कलर कॉम्बिनेशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं, उन्हीं कलर्स का मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। एंड हाँ गाइज, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ, यहाँ पर जितने भी मैंने पेंटिंग्स में कलर्स अप्लाई किए हैं सारे के सारे एक्रेलिक पेंट्स हैं। एंड इसी के साथ हमारे कलर्स होते हैं कंप्लीट। अब हम इसके ऊपर वॉर्निश कर रहे हैं। ये वॉर्निश मेरी वुड वॉर्निश है, सो थोड़ा सा जो हमारे कलर्स हैं उनको ये थोड़ा सा डार्क कर देगी, बट इसका जो फिनिशिंग है एंड इसका जो रिजल्ट है वो लाजवाब है। हाँ, सूखने में भी थोड़ा टाइम लेगा, बट बाद में अगर हम इसको बारिश में रखें चाहे धूप में रखें बिल्कुल भी ये हमारे क्राफ्ट को ख़राब नहीं होने देता। सो मैंने यहाँ पर इसी का यूज किया है। तो अभी वॉर्निश हमारी कंप्लीट हो चुकी है एंड अब हम इसको खूब अच्छे से ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद गाइस, मैं यहाँ पर कुछ पोलका डॉट्स बना रही हूँ जो कि मैं पहले भूल गई थी। इसके ऊपर मैंने एक ब्लू कलर का पाउडर भी दिया है जिससे इसकी जो ब्यूटी है वो और ज्यादा इन्हेंस हो गई है। अब मैं यहाँ पर जो मेरा मार्कर का काम था मैं उसको कंप्लीट करूंगी। सो लगभग हमारा पूरा क्राफ्ट रेडी हो गया है, बट अभी थोड़ी सी और डिटेलिंग बाकी है जो कि है हमारी लिपन आर्ट। सो यहाँ पर मैंने कुछ मिरर्स लिए हैं, कटिंग मिरर्स, उन्हीं का यूज़ करके मैं इसकी ब्यूटी को और थोड़ा इन्हेंस करूँगी। इनका यूज़ पहले मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे वॉर्निश को अप्लाई करना था। अगर मैं वॉर्निश को इसके ऊपर अप्लाई करती तो जो मिरर का जो इसकी शाइनिंग होती है वो पूरी की पूरी चली जाती। नाउ मैं व्हाइट एक्रेलिक कलर से पेंसिल की हेल्प से कुछ पोलका डॉट्स बना रही हूँ। कुछ यहाँ पर मैंने डॉटिंग टूल का यूज़ किया है एंड इन्हीं पोलका डॉट्स के साथ हमारा जो क्राफ्ट है वो होता है कम्प्लीट। सो गाइज, आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक ही प्लांटर की चारों वॉल को अलग अलग क्यों किया है। सो इसका रीज़न ये है कि एक ही प्लांटर में मेरे बहुत सारे यानी चार प्लांट काम आ जाएंगे और जब भी मेरा मन करेगा मैं इसको किचन के लिए यूज़ कर सकती हूँ, जब मेरा मन करेगा अपने लिविंग रूम के लिए यूज़ कर सकती हूँ, जब मेरा मन करेगा बालकनी के लिए यूज़ कर सकती हूँ एंड जब मेरा मन करेगा मैं इसको बेडरूम में यूज़ कर सकती हूँ। सो यही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने इसकी चारों वॉल अलग अलग तरीके से बनाई हैं। आपको इसकी कौन सी वॉल सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है एंड उस वॉल को आप किस तरीके से यूज़ करना चाहेंगे ये बात मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। का वीडियो होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इफ यस, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड प्लीज शेयर आल्सो विद योर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।